Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard moral science subject, okay? हम moral science subject किसका start करेंगे? 5th standard का. Lesson number 8, have self-respect, ठीक है? किसके बारे में है ये? Self-respect के बारे में lesson है. हमें खुद की कदर करनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है बच्चों? जो भी चीज़ है हमें खुद से ही देखना चाहिए. हमारे पास जो चीज़ है उसमें हमें खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है? देखो, एक छोटी सी स्टोरी है पहले तो. देखो ये क्या बोलता है, दो जन के बीच में, ठीक है? एक अंकल है, वो क्या बोलते हैं, टेक सन, दिस इज अ न्यू वॉच. वो उसे नया वॉच देते. तो देखो बच्चा क्या बोलता है, नो अंकल, आई लव द मोस्ट माय ओल्ड वन. वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं चलेगा, मुझे मेरी पुरानी घड़ी ही पसंद है ना. वो क्या, उसके पास जो है वो उसी में खुश है, ठीक है? चलो अभी हम आज है ना नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नई स्टोरी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में. किसके बारे में बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आज हम स्टोरी सुनेंगे. स्टोरी किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में. देयर लिव्ड अ मदर एंड सन इन अ स्मॉल विलेज नियर वाराणसी इन इंडिया. क्या एक छोटे से गांव वाराणसी है ना जो इंडिया में है. इस देखो वाराणसी के बाजू में एक गांव विलेज है, वहाँ पे एक माँ बेटे रहते हैं, ठीक है? देयर लिव अ मदर एंड सन इन अ स्मॉल विलेज. छोटे से गांव वाराणसी में, वो इंडिया में है, ठीक है? वाराणसी इन इंडिया. देयर वेर वेरी पुअर. दे वेर वेरी पुअर. वो लोग क्या थे, बहुत गरीब थे. देखो देयर लिव अ मदर एंड सन इन अ स्मॉल विलेज नियर वाराणसी इन इंडिया. दे वेर वेरी पुअर. वो लोग क्या थे, बहुत गरीब थे. एक छोटा सा फैमिली जिसमें मम्मी और बच्चा रहता था, कहाँ पे, वाराणसी में, इंडिया में, ठीक है? और वो लोग बहुत गरीब थे. दे सर्वाइव्ड ऑन वेरी लिटल मनी. वो लोग बहुत कम पैसों में जीते थे. फ्यू क्लोथ्स एंड फूड. बहुत कम पैसे थे उनके पास, बहुत कम कपड़े थे और खाना था. दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ लग्जूरियस. वो लोग लग्जूरियस लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, सपना भी नहीं देख सकते थे. जैसे कि AC, फ्रिज, वो सब के बारे में वो लोग सोच नहीं सकते थे. वो लोग के पास, क्योंकि बहुत कम पैसे थे, बहुत पुअर थे ना, कम पैसे थे, कम खाना था, कम कपड़े थे, ठीक है? When at last they were unable to earn their daily bread. कभी कभी ऐसा भी होता था कि मतलब वो लोग अपने ब्रेड यानी खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाते थे. They started living with the boy. देखो वो क्या रहते, देखो ऐसा वक्त आया कि वो लोग मतलब अपना दिन का डेली ब्रेड भी नहीं खरीद पाते थे, उतना भी नहीं कमा पाते थे. मतलब एक टाइम के खाने का भी व्यवस्था नहीं कर पाते थे. ऐसा भी टाइम आया तो वो लोग क्या करने लगे कि वो उसके अंकल के वहाँ रहने लगे. द लिटिल बॉय हैड टू क्रॉस अ रिवर इन ऑर्डर टू रीच ही स्कूल. तो छोटे से बच्चे को क्या करना पड़ता था, नदी को क्रॉस करके स्कूल में जाना पड़ता था, ठीक है? क्या करना पड़ता था बच्चों, नदी को क्रॉस करके स्कूल में, अगर उसको स्कूल जाना है तो नदी को क्रॉस करके उसको जाना पड़ता था. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड न्यू कीप इट ही स्टडीड. देखो वो क्या था, बहुत होशियार था अपने पढ़ाइयों में, ठीक है बच्चों? कैसा लड़का था, बहुत होशियार. वन इवनिंग व्हेन स्कूल वॉज ओवर. एक दिन क्या हुआ, स्कूल ख़त्म, मतलब स्कूल का टाइम ओवर हो गया, वो वापस आ रहा होगा. ही रीच द बैंक रिवर बैंक बट डिड नॉट. देखो क्या हुआ, वो स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ, वो नदी के किनारे आया बच्चों, बट डिड नॉट ब्रॉट द बोट. वो बोट नहीं लाया था. द फ्रिंकी मैन रिकॉग्नाइज्ड हिज डेली पैसिंग एंड आस्क्ड. वो देखो एक आदमी था, वो उसको पूछता है कि आप तो यहाँ, वो रोज का आता जाता था ना. डियर बॉय वाई आर यू क्विकली स्टैंडिंग ऑन द शोर. वो पूछता है तुम इधर चुपचाप क्यों खड़े हो नदी के किनारे. जम्प इन टू द बोट, डोंट यू वॉन्ट टू गो होम. तो क्या बोलता है, तुम बोट पे आ जाओ, तुम्हें घर पे नहीं जाना, जल्दी से आ जाओ, बोट पे कूद जाओ, बोट पे, बोट है ना वहाँ, बोट पे बैठ जाओ, तुम्हें घर नहीं जाना. ऐसा वो उसको पूछता है, वो छोटे बच्चे को पूछता है. येस आई वॉन्ट टू रिटर्न होम. तो वो छोटा बच्चा क्या बोलता है, हाँ मुझे घर जाना है, बट टुडे आई कैन नॉट ट्रेवल इन योर बोट. तो क्या बोलते हैं, आज मैं आपके बोट पे नहीं आ सकता. आई हैव नो मनी टू पे यू द फेयर. वो क्या बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपका भाड़ा देने के लिए,
है ना। तो देखो क्या होता है बच्चों, एक बोटमैन बैठा हुआ रहता है, वो उसको पहचानता है क्योंकि वो रोज़ का आता जाता है ना, अभी डेली का आता जाता है। तो वो बच्चे को पूछता है, चलो जल्दी आ जाओ, बोट पे बैठ जाओ, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। तो बच्चा क्या बोलता है, आज मैं नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, आपका भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो वो देखो अभी वो बच्चा वो बोट वाले को बोलता है, फिर वो बोट वाला क्या बोलता है, ओ डोंट बी सिली, बोलता है अच्छा ये बात है, आप ऐसी बात मत करो, कम ऑन, एवरी डे यू पे द फेयर, तुम हमेशा मेरे को भाड़ा देते हो, ठीक है, आई विल ड्रॉप यू टूडे इवन इफ़ यू डोंट पे, मैं तुम्हें आज के दिन छोड़ दूंगा अगर तुम नहीं भी पैसे दोगे तो भी, ठीक है, इट्स ऑल राइट फॉर मी, ये मेरे लिए ठीक है, चलेगा, सैड द फेयर मैन। तो वो उसको बोलता है क्या कि चलो कुछ नहीं, तुम तो रोज़ मुझे पैसे देते हो, रोज़ मेरे साथ आते जाते हो, एक दिन नहीं दोगे तो कुछ नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। द बॉय थॉट दैट द फेयर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिज प्योरिटी एंड, देखो वो क्या लड़के को क्या लगता कि उसका मजाक उड़ा रहे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे, ऐसे उसको लगा। फिर वो आदमी क्या बोलता है, वाई डिड यू गो टू स्कूल वैन यू हैड नो मनी टू क्रॉस द रिवर। तो वो आदमी उसको क्या पूछता है, बोटमैन रहता है ना, वो उसको पूछता है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम स्कूल में क्यों गए। वो उसको पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तुम वापस नहीं आ सकते थे, तो तुम क्यों गए स्कूल में, ऐसा उसको पूछता है। ठीक है, फिर उसको पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम स्कूल में क्यों गए, ऐसा। ठीक है, यू हैव सिक इट एनी वे, पे इट, पे मी लेटर एंड स्टेप इट। वो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं तुम आ जाओ, बाद में पेमेंट कर देना, ठीक है, अभी आ जाओ। फिर देखो, रिसीविंग एडुकेशन एंड फुलफिलिंग माई ड्रीम इज़ माई चेंजिंग ऑफ अ पुअर। देखो क्या बोलता है कि मैं पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करके अपने सपनों को हाजिर सपनों को हाजिर करूँगा, सपने पूरे करूँगा, है ना, कामयाबी हाजिर करूँगा, फिर अपनी गरीबी से निकल पाऊँगा, ऐसे वो कौन बोलता है, छोटा सा बच्चा बोलता है। वो पढ़ाई कर लेगा तो उसको उसके सपने सपने पूरे करने की ताकत मिलेगी, वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, गरीबी दूर कर सकता है ना। चाइल्ड लाइक मी माई मदर एंड माई मदर लैंड, और मेरी मम्मी के लिए, हमारी धरती माँ के लिए कुछ कर सकता हूँ, हैव अ ग्रेट होप फॉर मी। वो ज़्यादा उम्मीदें रखी है ना। आई विल गो टू स्कूल एंड लर्न, मैं स्कूल में जाऊँगा, कुछ सीखूँगा। और देखो फिर क्या होता है, हम्बली दैट ट्राई टू ब्लॉक माई वे, बोरिंग इज नॉट इन माई नेचर, और उधारी लेना, किसी से मांगना, वो मेरे नेचर में नहीं है, रिप्लाइड द बॉय। फिर वो बॉय उसको बोलता है, द बॉय वॉज प्राउड एंड, वो बॉय एकदम उससे गर्व से बात करता है। ठीक है, सून ही स्लैप इन टू द रिवर, वो जैसे ही पैर रखता है नदी में, होल्डिंग द बुक इन वन हैंड, एक बुक अपने बुक क्या करता है, अपने हाथ में पकड़ता है, होल्डिंग द बुक्स इन वन हैंड अबव द वाटर। क्या करता है वो, एक बुक पकड़ के, मतलब अपने एक हाथ में अपनी बुक्स पकड़ता है और अब पानी में जाता है। फिर वो स्विमिंग करता है। ठीक है, ही स्विम अक्रॉस द रिवर, वो तैर के जाता है। ही फिशरमैन वॉच द चाइल्ड इन सरप्राइज, और वो जो बोटमैन रहता है वो बच्चे को एकदम सरप्राइजली देखता है कि वो कैसे जा रहा है वो। ठीक है, व्हेन द बॉय रीच होम, जैसे ही वो लड़का घर पे पहुंचता है, हर मदर आस्क्ड हिम द रीज़न, तो उसकी मम्मी उसको पूछती है, द स्मॉल बॉय इन स्टोरी नरेटेड हिम स्टोरी, तो पूरी स्टोरी से बताता है, द स्मॉल बॉय नरेटेड हिज स्टोरी, ही सेड, वो बताता है कि वो कैसे, मतलब द फेयर मैन इज ऑल्सो पुअर एंड इट वॉज नॉट करेक्ट टू राइड इन हिज बोट विदाउट पेइंग द फेयर। तो बच्चा क्या बोलता है, छोटा सा लड़का बोलता है कि जो बोट चला रहा रहता है वो भी तो गरीब ही है, और ये गलत बात होगी ना कि मैं बिना पैसे दिए उसके बोट में बैठूँगा, है ना, तो भी गलत बात हुई। ऑल्सो बोरिंग, और उससे उधार लेना भी गलत आदत हो जाएगी। ऑल्सो बोरोइंग इज़ अ बैड हैबिट इज इट, तो उसको उसकी मम्मी को पूछता है कि उधार लेना भी तो गलत बात है ना, तो वो तो बुरी बात हुई है ना, ऐसे वो पूछता है। ठीक है, फिर देखो उसकी मम्मी, टीयर्स रोल डाउन इन मदर्स आइज, उसकी मम्मी की आँखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। फिर वो देखो, ही एंड सैड माई डियर चाइल्ड यू आर, देखो वो क्या अपने बच्चे को बोलती है,
तू बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीख रहा है, तो हम आगे जाके बहुत फेमस पर्सनैलिटी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा और फेमस पर्सनैलिटी बनेगा, है ना, ऐसे उसकी मम्मी बोलती है। दिस स्मॉल बॉय वॉज नन अदर देन, ये छोटा लड़का कौन था, लाल बहादुर शास्त्री था। कौन था बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री, हु बिकम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमारा सेकेंड प्रेसिडेंट बना था आफ्टर इंडिपेंडेंट का। ओके ठीक है, देखो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बना था, क्या बना था बच्चों, प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री का क्या बना था, हमारा सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, क्या बच्चों, प्राइम मिनिस्टर बना था, क्या बना था बच्चों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या बना था बच्चों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है बच्चों, क्या बना था, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अभी देखो आगे, ही वॉज, वो एकदम अच्छा था, उसने स्लोगन बनाया था, जय जवान जय किसान, है ना, किसने बनाया था ये स्लोगन, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। देखो लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और उसने स्लोगन लिखा था जय जवान जय किसान, है ना। ही इज़ रिमेम्बर्ड इवन टुडे फॉर हिज वीर, वो अभी भी याद, उन्हें आज भी याद किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी सिंप्लिसिटी के लिए और उनकी अच्छी से लाइफ, लीडरशिप की लाइफ, वो कैसे रहते थे, उनकी अभी भी स्टोरियाँ कही जाती है ना, कितने अच्छे, है ना बच्चों। तो देखो तो ये स्टोरी से हमें क्या, आज हमने क्या नया सीखा, हमने कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानी, किसके बारे में बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जो हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हमने आज सीखा, जो हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे, उनकी एक छोटी सी स्टोरी देखी कि बचपन में वो किस तरह से स्कूल से घर जाते थे, घर से स्कूल जाते थे, एक दिन उनके पास बोट का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने कैसे किया था कि वो तैर के गए थे, है ना। तो देखो इस, फिर देखो अभी एक और चीज़ देखते हैं, माइंड दिस पॉइंट्स, अभी देखो ये पॉइंट्स को हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा हम सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कर सकते, खुद को रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ठीक है, तो अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, कोई दूसरा तो नहीं आएगा अपना ध्यान रखने, है ना, तो पहले खुद का ध्यान हमें खुद रखना चाहिए। ऑलवेज डू वॉट यू बिलीव इज राइट, और हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको लगे कि ये सही है, है ना। पहला क्या, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जिम्मेदारियाँ लो, ठीक है। फिर दूसरा क्या, ऑलवेज डू वॉट यू बिलीव इन राइट, आप हमेशा वो चीज़ करो जो आपको लगे जो सही है। बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर वैल्यू, हमेशा खुद से ईमानदार रहो, सच्ची से बोलो और अपनी कदर करो, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर एंड ट्रीट देम राइट, और जो दूसरों के भी रिस्पेक्ट करो और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो। सेट गोल, और जो भी आपको चाहिए हाजिर करना है तो एक गोल सेट करो, उसको हाजिर करने की कोशिश करो। से नो टू नेगेटिव प्रेशर, अगर आपको कोई बुरी चीज़ बोल रहा है तो उसको ना बोलो। डोंट लेट अदर मेक योर चॉइस फॉर यू, किसी और की पसंद से अपने आप को मत चेंज करो, जैसा आपको करना है वो करो। अगर कोई बोल रहा है ये अच्छा लगेगा ये कर, तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो पसंद है आपको वो करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर आप अपने हिसाब से करोगे, आप जो आपको जो सही लगता है वो करोगे, तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, कि आपके पास जो है आप उसमें खुश होगे। तो व्हेन यू आर, देखो आप क्या करते हो, खुद से अगर सिंप्लिसिटी से खुश रहोगे तो सब भी आपको पसंद करेंगे, है ना। तो ठीक है, आज आपने अच्छी सी स्टोरी सुनी, होप आपने कुछ नया सीखा होगा, है ना बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।